घमासान.com में हूं आपके साथ दीक्षा खानप्रिया। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की हालत पतली, बिक्री में आई बड़ी गिरावट। विदेश कंपनियों को टक्कर देने वाली और स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देने वाली कंपनी पतंजलि की हालत पतली होती जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव कंपनी पतंजलि को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का विश्वास पतंजलि प्रोडक्ट से उठता जा रहा है। इसका साफ असर कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर आया है। देश में बने नारियल तेल और आयुर्वेदिक औषधियों जैसे निर्मित उत्पाद विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए थे, लेकिन अब पतंजलि का नाम डूबता हुआ नजर आ रहा है। इधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि कंपनी के प्रोडक्ट बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने 2017 में उम्मीद जताई थी कि मार्च 2018 तक कंपनी की बिक्री दोगुना से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, मगर यहां परिणाम उल्टे आ गए। पतंजलि बिक्री में 10% घटकर 8,100 करोड़ रुपए रह गई। पतंजलि ने सालाना वित्तीय रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। समाचार एजेंसी राइटर्स के सूत्रों और विश्लेषकों का कहना है कि बीते वित्त वर्ष 2018-19 में पतंजलि की बिक्री में और भी ज़्यादा कमी आई होगी। केयर रेटिंग्स ने इस साल अप्रैल में बताया था कि 31 दिसंबर 2018 तक की 3 माही में पतंजलि ने सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए के उत्पाद बेचे गए थे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टोर मैनेजर और उपभोक्ताओं का कहना है कि गलत फैसलों की वजह से कंपनी की महत्वाकांक्षाओं में रुकावट आई है। उन्होंने बताया कि तेजी से विस्तार करने की वजह से पतंजलि ने गुणवत्ता बरकरार रखने पर ध्यान नहीं दिया। इधर पतंजलि प्रबंधन का कहना है कि कंपनी के विस्तार तेजी से प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।